नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। उदारवन विधानसभा केंद्र के पानग्राम मध्य निजी विद्यालय में पेयजल न रहने पर छात्र छात्राएं भुगत रहे परेशानी। जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग की ओर से नहीं उठाए जा रहे हैं कोई कदम। रोटरी क्लब ग्रीनलैंड के कार्यकर्ताओं द्वारा सालाना पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में रोटरी इंटरनेशनल की ओर से मिला 25 पदक समाज सेवा में बेहतरीन भूमिका निभाने के लिए उत्तर पूर्वांचल में माने गए संस्थान। राज्य के साथ संगति रखते हुए लामनी क्षेत्र में भी लोग एनआरसी मुद्दे को लेकर झेल रहे हैं परेशानी। कई क्षेत्र में लोगों ने व्यक्त किया क्षोभ। विधानसभा केंद्र के गुमराह क्षेत्र में जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के जल सरबराह पर ठप पड़ने पर लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। पेयजल की परेशानी से भुगत रहे हैं लोग। इटखोला एथलेटिक क्लब के दूसरा मंजिल के निर्माण कार्य समाप्त होने पर भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कविन्द्र पुरकायस्थ ने फीता काट कर आनुष्ठानिक तौर पर भवन का किया उद्घाटन। उपस्थित रहे दिलीप पाल व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण। क्षेत्र के राजीव भवन में बराक बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के उद्योग से आयोजित हुआ सेकेंड नाबा WFF मिस्टर बराक वैली तथा मिसेस बराक वैली प्रतियोगिता। उपस्थित रहे विधायक सहित कई जाने माने लोग।